ऐतिहासिक आनासागर झील में बढ़ रहा जलकुंभी का फैलाव। खुशियां मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। ऐतिहासिक आनासागर झील पर धीरे धीरे जलकुंभी का कब्जा बढ़ता जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक आनासागर झील अपना एक अलग ही स्थान रखती है। तो वहीं अजमेर की दो झीलें हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। एक तरफ तो फायसागर झील तो वहीं दूसरी तरफ आनासागर झील, जिस पर अब जलकुंभी का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। मानव अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश गुप्ता ने कहा कि नगर निगम ऐतिहासिक झील पर अपना ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते इसकी सुंदरता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। शैलेश गुप्ता ने कहा कि लगातार जलकुंभी का फैलाव बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए नगर निगम विभाग को जलकुंभी निकालने की मशीन तो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि कब तक किराए पर मशीन लेकर जलकुंभी को निकालने का कार्य किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि बाड़ी नदी में जलकुंभी निकालने के लिए मशीन को लगाया गया है, लेकिन केवल मात्र एक दिन ही मशीन चली थी, उसके बाद मशीन को जलकुंभी निकालने के लिए शुरू नहीं किया गया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अलग अगर ऐसा ही चलता रहा तो आनासागर झील धीरे धीरे जलकुंभी का शिकार हो जाएगी। गुप्ता ने कहा कि बाड़ी नदी के अलावा अब यह जलकुंभी अपना फैलाव बढ़ाती जा रही है। रामप्रसाद घाट रीजनल चौपाटी के पास क्षेत्र तो वहीं लिंक रोड आनासागर चौपाटी क्षेत्र के आसपास धीरे धीरे जलकुंभी का फैलाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जहां अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए तो गंदगी व जलकुंभी के आलम के बाद कोई भी पर्यटन आनासागर झील के आसपास घूमने नहीं आ रहा है। किस तरह से हालात है जलकुंभी की बात की जाए तो आनासागर झील? ऐतिहासिक झील अजमेर की हमारी आनासागर झील है, जिसका देश विदेश और अजमेर में बहुत अच्छा नाम है। लोग पर्यटन की दृष्टि से सुबह और शाम घूमने आते हैं, परंतु जलकुंभी रोजाना बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर सरकार प्रति साल लाखों रुपया खर्च करती है। उस संदर्भ में मेरा एक तो प्रशासन से नगर निगम प्रशासन से निवेदन है कि स्मार्ट सिटी के तहत एक मशीन परमानेंट खरीद ले, तो ये जलकुंभी बढ़ ही नहीं पाए, और साथ ही जितने भी गंदे हमारे अजमेर शहर के जो नालों का गंदा पानी आ रहा है उसको शुद्धिकरण किया जाए। जैसे भी ये सफाई जो सीवरेज आपने लगा रखा है ट्रीटमेंट प्लांट, इसको चालू कराया जाए, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए और जलकुंभी का एक स्थायी समाधान किया जाए। सुबह और शाम हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, परंतु आप देखिए बदबू का क्या आलम है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है, इस जलकुंभी को जल्द से जल्द रुकवाने का कोई ऐसा ठोस उपाय किया जाए, वापस बढ़े नहीं और एक मशीन परमानेंट खरीद ली जाए। शैलेश गुप्ता, मानव अधिकार परिषद अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता।